या हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं परसेंटेजेस का सेशंस नंबर 13। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बड़ी फील आ रही होगी। ठीक है, ये सेशन नंबर 13 है गाइस। ठीक है, सोच सकते हो आप, 13वां सेशन परसेंटेजेस का है। अभी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट बाकी है, सिंपल इंटरेस्ट भी बाकी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बाकी है। ठीक है, हाँ, तो सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। कोशिश है कि एक एक सिंगल टाइप आप लोग कवर कराऊं। ठीक है, मेरा बहुत मन था कि यूट्यूब पे इस तरह का कंटेंट डाला जाए जो एक्चुअल में क्वालिटी कंटेंट हो। ठीक है, जो एक्चुअल में क्वालिटी कंटेंट हो और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उसमें बच्चे को प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, एक नई टेक्निक्स के साथ। ठीक है, सो बेसिकली दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। एंड दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमबीए पाठशाला वो सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। परसेंटेजेस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई हैव ऑल्सो कवर्ड सम अदर टॉपिक्स लाइक टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक्स भी मैंने कवर कराए हैं। आप लोग इनका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, चले गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। 45 क्वेश्चंस तक हम लोग कर चुके थे तो दिस इज अवर 46 क्वेश्चन। ठीक है, 46 क्वेश्चन को आप लोग रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में ये क्वेश्चन है क्या। ठीक है, एक बार रीड करो, खुद से रीड करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज 66 2/3%। ये 66 2/3 है जिसकी फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ रखी है कितना होती है, 2/3 होती है। दिस इज 66 2/3। ठीक है, चिंटू डिपॉजिट 8% ऑफ हिज मंथली सैलरी इन अ बैंक। मंथली सैलरी, अपनी मंथली सैलरी का वो 8% किसमें डालता है, बैंक में डालता है। 4% ऑफ हिज मंथली सैलरी इन इंश्योरेंस पॉलिसीज, जितना भी कमाता है उसका 4% इंश्योरेंस पॉलिसीज में जाता है। अनदर 12% इन NSSC, नेशनल कुछ हमारी स्कीम्स होती है। ठीक है, मतलब जहां पर सेविंग की जाती है, ये भी सेविंग्स का ही फंड है, मतलब एक करने का। हिज एक्सपेंडिचर ऑन फूड एजुकेशन एंड रेंट, फूड एजुकेशन और रेंट पर जो उसका एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो कितना दे रखा है, 11:6:3। तो टोटल एक्सपेंडिचर उसका हो जाएगा इन तीनों का सम। टोटल एक्सपेंडिचर क्यों बोल रहा हूं, अज्यूम दैट हिज इनकम इज स्पेंट ओनली ऑन रेंट, एजुकेशन एंड फूड। तो जो उसकी इनकम है वो सिर्फ इन तीन ही कॉम्पोनेंट्स पर खर्च होती है, तो इट मीन्स यही उसके एक्सपेंडिचर्स हैं। तो उसके टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने आ जा रहे हैं बच्चे, यहां से 20 आ जा रहे हैं। उसके टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने आ जा रहे हैं, यहां से 20 आ जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। आगे बोला जा रहा है चिंटूज मंथली सेविंग्स आर रुपीज 2800 मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन फूड। मतलब फूड पर जितना खर्चा होता है उससे 2800 रुपए ज्यादा उसकी सेविंग्स है। एंड हिज सेविंग्स आर 66 2/3% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। चिंटू की जो सेविंग्स हैं वो 66 2/3 है उसके एक्सपेंडिचर का। 66 2/3% बोलो, 66 2/3% बोलो या 2/3 बोलो, बात एक ही है। तो चिंटू की जो सेविंग्स हैं उसके एक्सपेंडिचर्स का 2/3 है। तो यहां से सेविंग्स और एक्सपेंडिचर का जो रेशो आएगा वो 2/3 आएगा। यहां से सेविंग्स और एक्सपेंडिचर का जो रेशो आएगा वो 2/3 आएगा। बोले तो हाँ या ना, यहां से सेविंग्स और एक्सपेंडिचर का जो रेशो आएगा वो 2/3 आएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और लिटरली आई वॉन्ट कि अगर आप लोग 46 क्वेश्चन कर रहे हो परसेंटेज का तो ये काम आप ओरली कर सकते हो कि चिंटू की जो सेविंग्स हैं वो 2 होंगी और उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3 होगा, इस रेशो में होंगी वो। अच्छा, यहां से चिंटू का एक्सपेंडिचर कितना है, यहां से चिंटू का टोटल एक्सपेंडिचर उसका ये है। टोटल एक्सपेंडिचर उसका तीन चीजों पर होता है, फूड पर, एजुकेशन पर, रेंट पर। यहां पर उसका एक्सपेंडिचर 20 है, यहां पर उसका एक्सपेंडिचर 3 है। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक जगह 20 हो, एक जगह 3 हो। तो 20 और 3 का एलसीएम लिया, 60 आया। तो इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया मल्टीप्लाई, तो सेविंग्स हो गई 40, एक्सपेंडिचर हो गया 60। तो इनकम कितनी आ जाएगी, यहां से 100 आ जाएगी। भैया किसी आदमी की सेविंग्स 40 है, खर्चा 60 है, तो इनकम तो 100 हो जाएगी ना उसकी। चलो, और यहां से उसकी खर्चा कितना हो गया, 60 आ गया। तो इंटू 3 सबको करना पड़ेगा, इंटू 3 सबको करना पड़ेगा। तो दिस बिकम्स 33, दिस बिकम्स 18, दिस बिकम्स 9। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
अब कंपेयर करने के लिए उसने ये 2800 दिया हुआ है, इसको देखते हैं क्या बोला जाता है। चिंटूज मंथली सेविंग्स जो कि 40 है, चिंटूज मंथली सेविंग है, चिंटूज मंथली सेविंग जो कि 40 है आर 2800 मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन फूड। एक्सपेंडिचर ऑन फूड कितना है 33, सेविंग्स कितना है 40, तो 33 से कितना ज्यादा होता है 47 ज्यादा होता है। इस 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है अपने को 2800 रुपए दिया हुआ है एक्चुअल में, तो यहां से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे 400 रुपए आ जाएगा, यहां से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 400 रुपए आ जाएगा, बोलो तो हाँ या ना। अगर 7 का वैल्यू 2800 रुपीज है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 400 रुपीज होगा। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। 1 का वैल्यू 400 है तो हमारे अकॉर्डिंग इनकम कितना था 100 था, तो 100 का 100 टाइम्स कर दो यानी कि एक्चुअल इनकम 10,000 होगा। चलो वो तो बात की बात है, पहले ये देखते हैं कि निकालना क्या है, इनकम तो निकालना ही नहीं ना हम लोग यहां पर, ठीक है। अब देखते हैं क्या निकालना है, व्हाट इज द एनुअल अमाउंट। ओहो बातें मंथली करी है, पूछता एनुअल है तो मंथ का 12 से मल्टीप्लाई करें, क्लियर ना मेरे भाई, ठीक है। मंथली दिया हुआ है, एनुअली पूछा है तो इनटू 12 करना है। व्हाट इज द एनुअल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन इंश्योरेंस पॉलिसीज। इंश्योरेंस पॉलिसीज पर मंथली इनकम का 4% जाता है, मंथली इनकम का 4% जाता है तो पूरे साल में कितना चला जाएगा 4 4 4 12 4 48% चला जाएगा पूरे साल में, तो 48% कितना होगा उसकी इनकम का, 48% कितना होगा उसकी इनकम का, ये होगा ना इसका आंसर, ठीक है। ये पूछा ना टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा 1 का वैल्यू 400 है, मुझे लगा 1 का वैल्यू 100 है, ठीक है। हाँ तो रेशियो के 1 का वैल्यू 400 है तो एक महीने में 4% इन्वेस्ट करता है इंश्योरेंस पॉलिसी पर, तो 4 × 400, ये तो मंथली इन्वेस्टमेंट हुआ उसका इंश्योरेंस पॉलिसी पर, हमसे एनुअली पूछा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल एनुअल इनकम इन्वेस्टेड इन इंश्योरेंस पॉलिसीज इज नथिंग 12 × 4 × 400, 12 × 48 × 4 19200, 19,200 मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। सो दिस वॉज अवर 46 क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। 47 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा, ठीक है। यस कैट का पैटर्न रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी देगा बट क्वेश्चन इजी रहेगा, तो आप समझो इन चीजों को, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी बड़ी देगा बट क्वेश्चन इजी रहेगा। इन अ कंपनी वेयर ईच एम्प्लॉई इज इधर यंग और ओल्ड। ओके किसी कंपनी में या तो हर एम्प्लॉई यंग होता है या ओल्ड होता है, दो ही तरह के इंसान होते हैं, ठीक है। 65% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज ड्रिंक टी बिफोर लंच, तो बिफोर लंच और आफ्टर लंच। पहले परसेंटेज देखो, सारी इजी परसेंटेज है ना, 65 10 15, ठीक है 100 मान लेते हैं। टोटल एम्प्लॉइज को मैंने 100 मान लिया, टोटल एम्प्लॉइज को मैंने 100 मान लिया। 6 अब 100 में कुछ लोग यंग होंगे, यंग वालों को Y से डिनोट करूंगा, ओल्ड वालों को O से डिनोट करूंगा, क्योंकि दो ही तरह के इंसान है, तो यंग है या ओल्ड है। 65% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज ड्रिंक टी बिफोर लंच, 65% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज ड्रिंक टी बिफोर लंच, तो 100 का 65% कितना होगा 65, तो बिफोर लंच 65 लोगों ने चाय पी ली लंच से पहले ही। अब देखो एंड 10% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज आर यंग। ओके 65% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज ड्रिंक टी बिफोर लंच एंड 10% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज आर यंग, तो 100 है टोटल एम्प्लॉइज, 100 का 10% यंग है, तो 100 का 10% कितना होता है 10, तो भैया यंग लोग कितने हैं 10, तो ओल्ड कितने होंगे 90 होंगे, ये बात हमें डाइजेस्ट हो गई, ठीक है। इफ 15% ऑफ दोज who do not drink tea before lunch, okay, before lunch, तो ऐसे कितने लोग हैं who do not drink tea before lunch, लंच से पहले जिन लोगों ने चाय नहीं पी है वो कितने लोग हैं, लंच से पहले वाले कितने थे 65, तो before, do not drink before lunch कितने होंगे 35 होंगे, तो after lunch वाले 35 लोग हैं। और इसमें से बोला जा रहा है
15% ऑफ दोज, देखो आगे क्या बोला जा रहा है, इफ 15% ऑफ दोज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन दोज हु डू नॉट ड्रिंक टी बिफोर लंच आर यंग, इसमें से हमारे 15% यंग हैं, इसमें से। अब भैया इस देखो, इन 65 में कुछ यंग होंगे कुछ ओल्ड होंगे, इन 35 में भी कुछ यंग होंगे कुछ ओल्ड होंगे, तो अगर बात करी जाए यहां पर यंग की, तो यंग लोग कितने होंगे इसका 15%, तो 15% वैसे तो 3/20 होता है, 15% ऑफ 35 निकाल लेना, ये आ जाएगा हमारे पास 3/20, 5 से डाल यहां पर 7 आएगा, यहां पर 4 आएगा, तो 21/4 आ रहा है, 21/4 यहां पर यंग है, टोटल यंग कितने हैं 10 में से आफ्टर लंच 21/4 लोगों ने चाय पी, तो बिफोर लंच कितने लोगों ने पी होगी, इसमें से यंग कितने होंगे, 10 में से 21/4 माइनस कर दो ना 19/4, इसमें से यंग कितने होंगे 19/4, 65 में से 19/4 यंग हैं, 19/4 यंग हैं, तो हमारे ओल्ड कितने होंगे जरा बताओ, 19/4 वैसे 4 पॉइंट कितना होता है, ठीक है 4.8 होता है ना, इसको माइनस कर दो जरा, ठीक है 65 में से 5 हटा दो, 60 होता है, 60.2 होगा, ठीक है तो 61/5 होगा, ठीक है इतना ही होगा ना यार, 65 में हमारे यंग कितने हैं, देखो समझो इस बात को, आफ्टर लंच 35 लोग थे जिन लोगों ने चाय पी, इस 35 का 15% यंग थे, इफ 15% ऑफ दोज हु डू नॉट ड्रिंक टी बिफोर लंच आर यंग, जिन लोगों ने बिफोर लंच चाय नहीं पी है तो वो कितने लोग हैं 35 हैं, इसमें से 15% यंग है, तो 35 का 15% 21/4 यंग है जिन लोगों ने आफ्टर लंच चाय पी है, तो बाकी लोगों ने बिफोर लंच चाय पी होगी, ठीक है तो 10 में से 21/4 गया, तो 40-21 19/4 बिफोर लंच वाले थे, और ओल्ड कितने होंगे 65-19/4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 160-19 241/4 आ जाएगा, 241/4 आ जाएगा, 241/4 आ जाएगा, है ना, यस दिस इज 241/4। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ओल्ड एम्प्लॉइज हु ड्रिंक टी बिफोर लंच, बिफोर लंच में ओल्ड एम्प्लॉय कितने हैं 241/4 टू द नंबर ऑफ यंग एम्प्लॉइज हु ड्रिंक टी बिफोर लंच। अच्छा इन दोनों का रेशो निकालना है, तो 21/4 19/4 रेशो आ गया 241:19 हमारा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा एग्जाम में, क्योंकि रेशो डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकता, तो 241:19 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है 241:19, ठीक है 241:19 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। दिस वॉज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा था, ठीक है इसकी लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है एग्जाम टाइम पे, क्योंकि एग्जाम में हमारे ऊपर प्रेशर होता है, ठीक है तो व्हाट आई सजेस्ट यू, आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को राउंड टू में भी कर सकते हैं, हम पूरे पेपर को राउंड वन राउंड टू में बांट देते हैं ना, मैं बताऊंगा स्ट्रेटेजीज क्या होती है राउंड वन राउंड टू स्ट्रेटेजी सेशन में, ठीक है ये देखो जरा, ठीक है हाँ भाई मैं क्वेश्चंस कराता हूं ना, जैसे मेरी आदत है पढ़ाने की, ठीक है तो वो कुछ ना आप ना एज अ आदत मान के छोड़ दिया करो, जैसे मैं बोल देता हूँ अरे तो बड़ा बकवास क्वेश्चन था, वो मेरे लिए बकवास हो सकता है बट आपके लिए नहीं हो सकता, तो अब यार एक आदमी रूम बंद करके पढ़ा रहा है तो खुद से तो बातें कर सकता है ना, एक बच्चे ने इस पे मुझे कमेंट बोला था कि सर आपके लिए तो बकवास है हमारे थोड़ा, तो आप ऐसे मत बोला करो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो मेरे भाई डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको देखना है कि आपको ये सेशंस कितने हेल्प कर रहे हैं, आप ये नोटिस करो, ठीक है हाँ चलो देखते हैं, मैं तो बोलता हूँ यार, ठीक है ये काम ना लोग आपको करा इस लेवल पे नहीं करा पाएंगे, वो काम आपसे 80-90 हज़ार रुपये ले लेंगे तब भी नहीं करा पाएंगे इस लेवल पे, हमें पता है ना यार हमने मार्केट में काम किया है, ठीक है चलो। इन अ ईयर अ शॉपकीपर इंपोर्टेड द नंबर ऑफ सूटकेस ऑफ 3 ब्रांड्स VIP सफारी एंड सैमसोनिटी, ठीक है ये नाम पहली बार सुना है मैंने अपनी लाइफ में, ठीक है हाँ तो तीन तरह के ब्रांड्स हैं VIP, सफारी को मैं SF से डिनोट कर देता हूं, इसको मैं SS से डिनोट कर देता हूं, इन द रेशो इसने तीन ब्रांड्स के सूटकेस इंपोर्ट किए ना यस 8-6-11 के रेशो में। इन द नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ सूटकेस इंपोर्टेड ऑफ VIP एंड सैमसोनाइट गॉट इंक्रीज बाय
37.5% एंड 18.8%। वीआईपी का 37.5% इंक्रीज हुआ है। तो 37.5% इंक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/8 होता है, इंक्रीज का कितना होगा, इन दोनों को ऐड करो डिनोमिनेटर एज इट इज 11/8, तो इसका आपको 11/8 निकालना है। इंक्रीज हो गया 37.5%, अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसको सीधा सीधा 11/8 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने बताया था, सैमसोनाइट के जो सूट केस है वो 18.18% से इंक्रीज हुए हैं, ऐसा बोला जा रहा है ना। 18.18 आपको पता होना चाहिए, 9.09% कितना होता था बच्चे, 1/11 होता था, तो 18.18% कितना होगा, 2/11 होगा। तो 18.18% की फ्रैक्शन 2/11 होती है, बट अगर कोई चीज 18.18% इंक्रीज हो रही है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 13/11 होगा। उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 13/11 होगा। तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 13/11 क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज होता है 18.18 तो 11 - 2 9/11 से मल्टीप्लाई करते, इंक्रीज हो रहा है तो इन दोनों को ऐड करो डिनोमिनेटर एज इट इज, डिक्रीज हो रहा है तो इन दोनों को माइनस करो डिनोमिनेटर एज इट इज, तो 11 से 11 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 13 आ जाएगा। यहां पे कितना बचा, 11 बचा। डेट ऑफ सफारी गॉट डिक्रीज बाय 16.66%, तो 16.66% कितना होता है, 1/6 होता है, 6 का 16.66% 1 होता है, डिक्रीज हो रहा है तो 16.66% का डिक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है, 5/6 होता है। तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 5/6 क्योंकि डिक्रीज हुआ है तो इन दोनों का डिफरेंस लो, डिक्रीज हुआ तो इन दोनों का डिफरेंस लो जो कि एज ए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, कितना आएगा हमारा, 6 × 5/6 करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ओके तो नेक्स्ट ईयर वीआईपी सफारी एंड सैमसोनाइट के जो सूट केस का रेशियो कितना हो जाएगा, 11:5:13। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इंपोर्टेड सूट केस ऑफ सैमसोनाइट एंड सफारी वॉज 5.20 इन द नेक्स्ट ईयर। डिफरेंस दे रखा है सैमसोनाइट और सफारी का, सैमसोनाइट और सफारी का डिफरेंस कितना दे रखा है, 5.20 दिया हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, जो मेरे अकॉर्डिंग 8 आ रहा है वो एक्चुअल में 5.20 है, तो मेरे 1 का वैल्यू कितना आएगा, 640 आएगा क्या, मेरे 1 का वैल्यू कितना आएगा, 640 आएगा क्या। चलो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सूट केसेस इंपोर्टेड इन द नेक्स्ट ईयर, टोटल नंबर ऑफ सूट केसेस इंपोर्टेड इन द नेक्स्ट ईयर, यानी कि इस साल टोटल नंबर ऑफ सूटकेस कितने इंपोर्ट किए गए हैं, 11, 5, 16 और 13 कितना होता है, 29। 1 का वैल्यू इतना है तो 29 से इसको मल्टीप्लाई कर देना यार, 640 × 29 कर लेना, जो भी आएगा वही आपका आंसर। हमारे रेशियो में 1 का वैल्यू 640 है तो 29 का वैल्यू कितना होगा, 640 × 29, दैट्स इट। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा ठीक है मल्टीप्लाई कर लेना, वो काम मेरा नहीं है। ठीक है, हाँ वैसे आंसर बताऊं तो 30 से मल्टीप्लाई कर लेना, 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 19200 आएगा, 64 × 30, मतलब ऐसे कर सकते हो 640 × 29 करना है ना, तो 640 × 30 - 1 कर सकते हो, 64 × 3 = 19200 - 640, इसमें से 640 माइनस कर देना, 19200 में से 600 माइनस करोगे तो 18600 आएगा, 18600 में से भी अगर 40 माइनस करोगे और तो 18560 आएगा, 18560 आएगा। ठीक है, ऐसे चीजें सोच सकते हो। ठीक है, यस, ये देखना जरा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इस तरह के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस कैट वालों को अच्छे लगते हैं। ठीक है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, ये शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ईयर में इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो जरा इसको। ठीक है, हाँ थोड़ा समझने की कोशिश करो जरा इसको। यस, चलो देखते हैं। ऑफ द टोटल कंप्लेंट्स, ऑफ द टोटल कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन अ सिटी, ठीक है, 32% आर फ्रॉम हाउसहोल्ड रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। ऑल्सो 60% ऑफ द टोटल कंप्लेंट रिसीव्ड बाय द बोर्ड आर रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स अदर देन ग्राउंड वाटर। द कंप्लेंट्स गिवन बाय हाउसहोल्ड फॉर्म्ड 50% ऑफ द टोटल कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय द बोर्ड।
If the number of complaints received by the board regarding groundwater pollution from complaints other than household is 2400, what percent of the total complaints received by the department are given by households regarding issues other than groundwater pollution? क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगेगा सर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक्चुअल में एक छोटा सा आरसी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को समझ पढ़ने के बाद सर ये बोल रहे होंगे सर ये तो छोटा सा आरसी है हमारे पास, ठीक है, बट एक्चुअल में ये छोटा सा आरसी नहीं है। एक मिनट यार, बोर्ड के साथ छेड़खानी की गई है, मैं तो बड़ा फील लेके पढ़ा रहा था। हाँ यस, एक मिनट, आई होप पिछले दो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, चलो अब ठीक है। मतलब थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रही थी पहले, हाँ मैं क्वेश्चन समझा रहा था आप लोगों, आप लोग इसको जब तक दो या तीन बार रीड नहीं करोगे ना तो आपके तोते उड़ते रहेंगे, ठीक है, आप कहोगे क्या ही चल रहा है, ये क्वेश्चन तो छोड़ने के लिए बना था, ठीक है। देखो कोई भी सोसाइटी होती है, मतलब कोई भी बोर्ड है, मान लो हम जिस भी सिटी में रहते हैं तो वहां पर घर भी हैं, वहां पर शॉप्स भी हैं, तो हाउस होल्ड को उसने अलग कर दिया और बाकी किसी की शॉप है, कोई मार्केट वाला एरिया है, वहां की कंप्लेंट उसने दो तरह से सेग्रीगेट करी पूरी कंप्लेंट्स को। अब दो तरह से उसने कर दिया, टोटल कंप्लेंट्स में मतलब हाउस होल्ड से कितनी आई है और बाकी अदर जगह से कितनी आई है, ठीक है। अब जो हाउस होल्ड में ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की कितनी शिकायत आई है और अदर इश्यूज की कितनी आई है, जो बाकी जो हमारे अदर जगह से कंप्लेंट्स आई थी उसमें ग्राउंड वाटर की कितनी थी और बाकी अदर जगह से कितनी थी। टोटल हाउस होल्ड वाली जो कंप्लेंट्स हैं वो 50% ऐसा बोला जा रहा है। टोटल द कंप्लेंट्स गिवन बाय द हाउस होल्ड फॉर्म 50% ऑफ द टोटल कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय द बोर्ड, ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हुआ है, टोटल जो कंप्लेंट्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखी हैं, ठीक है। ऐसे मान लो परसेंटेजेस क्योंकि इजी इजी है, 32, 60, 50% है, तो 100 मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लो टोटल कंप्लेंट्स वहां पर 100 आई है, टोटल कंप्लेंट्स वहां पर कितने आई है, 100 आई है, ठीक है। तो 100 में से 50 तो हाउस होल्ड में से आई होंगी, दूसरा कुछ बोला नहीं उसने तो मैं भी नहीं लूंगा उसको, ठीक है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, ठीक है, 32 आर फ्रॉम हाउस होल्ड रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। टोटल कंप्लेंट्स 100 आई है, 100 का 32% होता है, 32% फ्रॉम हाउस होल्ड रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। अब ये हाउस होल्ड वालों की कंप्लेंट्स हैं, इसमें ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की है और अदर इश्यूज की ये रही। तो हाउस होल्ड में ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की कितनी कंप्लेंट्स आई है, 32, तो इसका वैल्यू 32 है। तो अदर इश्यूज की हाउस होल्ड में कितनी आई होंगी, 18 आई होंगी, हाँ या ना। हाउस होल्ड कंप्लेन में ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की कंप्लेंट्स कितनी है, 32, तो अदर इश्यूज की 18 आई होंगी क्योंकि टोटल 50 है, ये बात क्लियर है। 60% ऑफ द टोटल कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय द बोर्ड आर रिगार्डिंग प्रॉब्लम अदर देन ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। टोटल कंप्लेंट्स 100 हैं, 100 का 60% 60 होता है, 60 में से हमारे पास मतलब 60% ऑफ द टोटल कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय द बोर्ड आर रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स अदर देन ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। तो इन 100 प्रॉब्लम्स में से हमारे पास जो 60 प्रॉब्लम है और जो 40 प्रॉब्लम है, ये 40 प्रॉब्लम सिर्फ ग्राउंड वाटर की हैं, ये बाकी अदर इश्यूज की हैं। इस ग्राउंड वाटर में से हाउस होल्ड वालों की कितनी आई है, 32, तो बाकी लोगों ने कितनी, मतलब जो मार्केट वाले हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, उन लोगों ने ग्राउंड वाटर की कंप्लेंट्स करी है, मतलब कितनी करी होंगी, 8 करी होंगी। अब इन 60 में से भी अदर इश्यूज कंप्लेंट्स टोटल 60 हैं, इसमें से हाउस होल्ड वालों कितनी है, 18, तो इसमें से हाउस होल्ड वालों कितनी है, 18, बाकी शॉपकीपर हो गए, जो अदर लोग हो गए, मतलब कुछ भी हो गया, उनकी कंप्लेंट्स कितनी रही होगी हमारे पास, 42। पूरा ब्रेक कर दिया मैंने पूरा क्वेश्चन ब्रेक कर दिया। अब वो आपसे कुछ भी पूछ ले, हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला था क्वेश्चन बड़ा होता है बट इजी होता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो तो सही यार, करो तो सही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अर्थमेटिक की पूरी सीरीज लॉन्च कर रखी है, प्लीज जाके चैनल को एक्सप्लोर तो कर लो। इंसान एक्सप्लोर ही तब करता है जब वो कहीं पैसे देता है, बिना पैसे कह रहा हूं मैं, एक्सप्लोर कर लो चैनल को, बहुत कुछ है, ठीक है। यस, पढ़ना दोबारा से। टोटल हाउस होल्ड की कंप्लेंट्स कितनी है, 50, इस 50 में से ग्राउंड वाटर कितनी है, 32, तो अदर इश्यूज की कितनी होगी, 18 होंगी। ये हाउस होल्ड वालों का सेक्शन अलग बना दिया। टोटल कंप्लेंट्स हमारे पास 100 है,
100 में से ग्राउंड वाटर की, ग्राउंड वाटर से अदर देन कंप्लेंट्स कितनी है, 60 है, तो अदर इश्यूज पर कंप्लेंट 60 है, तो ग्राउंड वाटर पर 40 कंप्लेंट्स होंगी। इस 40 में से कुछ हाउस होल्ड वालों की होंगी, कुछ मार्केट वालों की होंगी, जो भी होंगी, ठीक है। तो हाउस होल्ड वालों की ग्राउंड वाटर से प्रॉब्लम कितनी थी, 32, तो बाकी लोगों की प्रॉब्लम कितनी होंगी, 8। अदर इश्यूज की टोटल 60 कंप्लेंट्स आई हैं, इसमें से हाउस होल्ड वालों कितनी होंगी, 18, तो बाकी लोगों ने कितनी दी होंगी, 42 कंप्लेंट्स दी होंगी। पूरा क्वेश्चन ब्रेक कर दिया, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। द कंप्लेंट गिवन बाय द हाउस होल्ड फॉर्म 50%, तो पढ़ लिया था पहले ही। द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय द बोर्ड रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर पोल्यूशन फ्रॉम ग्राउंड वाटर पोल्यूशन फ्रॉम कंप्लेंट्स अदर देन हाउस होल्ड, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन अदर देन हाउस होल्ड 8 है। इस 8 का वैल्यू 2400 दिया हुआ है, इस 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2400। हमारा जो 8 है एक्चुअल में 2400 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल कंप्लेंट्स, यानी कि 100 रिसीव्ड बाय द डिपार्टमेंट आर गिवन बाय हाउसहोल्ड्स, गिवन बाय हाउसहोल्ड्स रिगार्डिंग इश्यूज अदर देन ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। ग्राउंड वाटर वाला सेक्शन को छोड़ के अदर देन हाउस होल्ड ने कितना दिए, 18 कंप्लेंट्स दिए आउट ऑफ 100, तो 18% आंसर, 18 कंप्लेंट्स आई हैं 100 में से हाउस होल्ड की अदर देन ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, 18% आंसर। इसका तो यूज ही नहीं हुआ बेचारे का, इसका यूज ही नहीं हुआ बेचारे का। बट हाँ, अगर नंबर पूछ लेता, अगर नंबर पूछ लेता तो 18 मतलब परसेंटेज ना पूछ के पूछ लेता हाउ मेनी कंप्लेंट्स, तो तब हमारा आंसर होता, एक का वैल्यू 300 है तो 18 का वैल्यू 5400 आता तब आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। 49th समझो, मतलब मैंने वही बोला ना, एक बार रीड करके समझ में नहीं आएगा तो दो बार रीड करो, दो बार रीड करके समझ में नहीं आएगा तो तीन बार रीड करो, तीन बार रीड करके समझ में नहीं आएगा तो चार बार रीड करो। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो मैं एक्सप्रेशन नहीं समझा सकता, आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक मैं कौन होता हूं समझाने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, 50th क्वेश्चन देखो, 50th क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है, ठीक है। बॉक्स ए कंटेन्स 25, इस तरह का क्वेश्चन कैट में आया था, पहले ही बता रहा हूं मैं, कैट 19 में आया था आई थिंक, ठीक है। बॉक्स ए कंटेन्स 25% मोर बोल्स देन बॉक्स बी, तो बॉक्स ए और बॉक्स बी में जो बॉल्स का रेशियो है, बॉक्स ए में 25% ज्यादा बॉल्स हैं बॉक्स बी से, 25% 1/4, अगर बी में 4 बॉल्स हैं तो बॉक्स ए में 5 बॉल्स हैं। बॉक्स सी कंटेन्स 20% मोर बॉल्स देन बॉक्स डी, बॉक्स सी और बॉक्स डी, बॉक्स सी में 20% ज्यादा है डी से, 20% होता है 1/5, 5 का 20% 1 होता है, अगर बॉक्स डी में 5 है तो सी में 6 है। बॉक्स बी कंटेन्स 10% लेस बॉल देन बी, बॉक्स बी और बॉक्स डी, बॉक्स बी और बॉक्स डी, बॉक्स बी कंटेन्स 10% लेस बॉल्स देन बॉक्स डी, बॉक्स डी 10% कितना होता है 1/10, अगर बॉक्स डी में 10 है तो यहां पर कितनी है 9 है। चलो अब ये तो रेशो हो गया ए रेशो बी एंड बी रेशो डी एंड सी रेशो डी, इन दोनों में बी कॉमन है, बी यहां पर 4 है यहां पर 9 है, सेम बनाओ पहले तो इसको, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, यहां पर डी 5 है और सॉरी बी को सेम बना रहे हैं ना, बी यहां पर 4 था यहां पर 9 था, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, डी कितना बन गया 40 बन गया, डी यहां पर कितना है 5, इंटू 8 भी कर दो, कंबाइन रेशो आ गया ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ठीक है। रेशो लिया है अभी हम लोगों ने, हमें ये गिवन था, मतलब ये परसेंटेज से बनाया है। अब यार देखो 25% कितना होता है पता होना चाहिए, 25% कितना होता है 1/4 होता है, 4 का 25% 1 होता है, अगर बी के पास, अगर बी के पास 4 बॉल हैं, 4 का 25% 1 होता है, तो ए के पास 5 बॉल्स होंगे, ठीक है। ये रेशो आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। 45, 36 and 48 and 40, तो दीज आर द रेशो, ये रेशो है हमारे पास, ठीक है। चलो अब देखो क्या बोला जा रहा है, एग्जैक्टली 2 बॉल्स फ्रॉम बॉक्स ए इज ट्रांसफर्ड टू बॉक्स डी ड्यू टू विच बॉक्स डी विल हैव 10 मोर बॉल्स देन बॉक्स बी, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन बॉक्स ए एंड बॉक्स सी टूगेदर आफ्टर द ट्रांसफर। एग्जैक्टली 2 बॉल्स फ्रॉम बॉक्स ए इज ट्रांसफर्ड टू बॉक्स डी, ओके। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसमें मुझे वेरिएबल यूज करने दोगे क्या, एक बार मजाक मत बनाना मेरी कि आ गए ना तुम वेरिएबल पे,
क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ बोल्ट्स समझ में नहीं आ रही है मेरे को, ठीक है। एग्जैक्टली टू बोल्ट्स ट्रांसफॉर्म बॉक्स इज ट्रांसफॉर्म ड्यू टू विच बॉक्स बी विल हैव 10 मोर बोल्ट्स देन बॉक्स बी। ओके, हाँ, हाउ मेनी बोल्ट्स आर देयर इन बॉक्स ए एंड बॉक्स, वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। 45x, 36x, 48x, 40x, टू बॉल्स फ्रॉम बॉक्स ए, बॉक्स ऐसे टू बॉल्स बाहर निकालो, 45x माइनस 2, ट्रांसफर टू डी, डी में डाल दो, 40x प्लस 2, दो बॉल्स आ गई यहां पर, ड्यू टू विच बॉक्स डी विल हैव 10 मोर बॉल्स देन बॉक्स बी। तो बॉक्स बी में इतनी बॉल्स हैं, इससे ये 10 ज्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस करो तो 10 आना चाहिए, 40x प्लस 2 माइनस 36x बराबर 10 आना चाहिए, इनको हटा दो तो 4x ये उधर जाएगा, 4x का वैल्यू 8 आ रहा है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। x का वैल्यू अगर 2 आता है तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन बॉक्स ए बॉक्स सी टुगेदर, बॉक्स ए बॉक्स सी टुगेदर आफ्टर द ट्रांसफर, बॉक्स ए में आफ्टर द ट्रांसफर पूछा है। ओके, बॉक्स ए एंड बॉक्स सी, तो 45x माइनस 2x का वैल्यू 2 है, तो 45 इंटू 2 90 माइनस 2 88 बोल्स तो इसमें बची, सी 48 इंटू 2 96, तो 96 प्लस 88 कर लीजिए, 96 प्लस 88 कर लीजिए, 8 से 14 का एक होता है यहां पर 184, 184 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइस, एंड दिस वाज अवर 50th क्वेश्चन। तो रेशो परसेंटेजेस का दोनों का कॉम्बो था ये क्वेश्चन भी, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप इन 50 क्वेश्चंस को करने के बाद आप लोगों को परसेंटेजेस चैप्टर को लेके थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी, ठीक है बच्चे। अगर आप लोग परसेंटेजेस की प्लेलिस्ट से सेशन देख रहे हैं तो इसके बाद मैं परसेंटेजेस के दो मैंने एडवांस सेशन लिए हैं, आई थिंक और भी लूंगा मैं, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा नीचे सेशन नंबर 13 के बाद, और उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो मैंने सेशन लिया हुआ है परसेंटेजेस का वो भी ऐड कर दूंगा, ताकि आप कभी भी इनको देखते हैं तो पूरा ही कवर कर लेना, कंजूसी मत करना। जितना ज्यादा इसमें घुसोगे उतने ज्यादा तुम्हें चीजें क्लियर होंगी, उतना चीजें तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। तो बच्चे दिस वॉज द क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये 50 क्वेश्चन समझ में आए होंगे आप लोगों को। डू ऑल्सो शेयर दीज सेशंस, शेयर करो सेशन में, अपना वैल्यूएबल कॉमेंट जरूर दिया करो कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। चलिए, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, बाय।